तो दोस्तों फाइनली मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट की एक नई सेल का वेट कर रहे हैं और डेली मैं आपको कुछ ना कुछ नई अपडेट देते ही जा रहा हूँ सेल के बारे में, क्योंकि अब काफ़ी सारी नई सेल बड़ी सेल स्टार्ट होने वाली है जिसमें आपको स्मार्टफोन वगैरह पे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट मंथ कौन सी सेल स्टार्ट होने वाली, यानी जून के महीने में कौन सी पहली सेल आपको देखने को मिली जिसमें स्मार्टफोन्स पे अच्छा डिस्काउंट आपको मिलेगा, और अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने के लिए प्लान करें तो आप एक नया फ़ोन ले पाएंगे। तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो मिलने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ही कर लेना। अगर इस महीने के बारे में बात करें, मई के महीने में, तो ये जो महीना है ऑलरेडी खत्म होने वाला है और आपको फ्लिपकार्ट पे एक सेल अभी देखने को मिल रही है। आज ये सेल खत्म हो जाएगी, स्मार्टफोन कार्निवल करके एक सेल है जिसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं है। तो काफी लोगों का मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि बड़ी सेल कब से आने वाली है, नेक्स्ट सेल जैसे कि बिग सेविंग डे सेल वगैरह होगी जिसमें स्मार्टफोन को टारगेट किया जाए और स्मार्टफोन पे अच्छा डिस्काउंट हमें चाहिए। तो अगर आपको स्मार्टफोन पे अच्छा डिस्काउंट चाहिए, आप एक नया स्मार्टफोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इसके लिए जून के महीने में, जून के स्टार्टिंग में एक सेल स्टार्ट होने वाली है जिस सेल का नाम होगा फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल। और पिछले महीने में भी ये सेल आई थी जिसमें आपको स्मार्टफोन्स पे काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिला है। तो फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल इस नेक्स्ट महीने में भी स्टार्ट होने वाली, जून के महीने में, जिसमें स्मार्टफोन को सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जाएगा, और अगर आप एक नया फोन वगैरह लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये सेल आपके लिए काफी ज्यादा बेटर होने वाली है। ये जो सेल है, हालांकि इसकी जो डेट वगैरह है वो अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर लीक्स की माने तो सारी जो चीजें हैं वो लीक होकर के आ चुकी हैं। लीक्स के अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट पे जो फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल है वो 10 जून से स्टार्ट होने वाली है और 14 जून तक ये सेल चलेगी, जिसमें आपको आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड का डिस्काउंट भी देखने को मिलने वाला है, जिसमें क्रेडिट कार्ड वगैरह अगर आप लगाते हैं तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप ईएमआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। बात करते हैं कि कौन कौन से फ़ोन पर डिस्काउंट रहेगा, क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो इस सेल में आपको बेसिकली जो स्मार्टफोन्स वगैरह में, बेसिकली जो मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, साथ में लैपटॉप फ्री वगैरह हो गया, तो इन सब चीजों को ही टारगेट किया जाएगा। इन सब चीजों पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। इसमें आपको कार्ड पे तो डिस्काउंट मिलेगा ही, साथ ही आपको एक्सचेंज बोनस भी देखने को मिलेगा अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मॉडल्स पे। साथ ही साथ यहां पर आपको डायरेक्ट जो प्राइस कट है वो भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आप फोन वगैरह काफी सस्ते में खरीद पाएंगे। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि कौन कौन से फोन पे कितना डिस्काउंट होने वाला है, तो इसके में हालांकि अभी तक ज्यादा कुछ डिटेल इसके ऊपर है नहीं कि एक्चुअली कौन कौन सा फोन है, कौन किस पे कितना डिस्काउंट होगा। लेकिन दोस्तों आप ये मान करके चल सकते हैं कि रिसेंटली भी जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं जितने भी ब्रांड की तरफ से, उन सारे स्मार्टफोन्स पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल है फ्लिपकार्ट के इस अपकमिंग बिग सेविंग डे सेल के बारे में जो कि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाली है। अब वैसे में ये थी कुछ छोटी सी डिटेल जो कि इस फोन के बारे में आई थी। जैसे ही इन फोन को लेकर के कुछ भी और नई डिटेल्स आती हैं, कुछ भी और चीज़ें कंफर्म होती हैं, मैं सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। अब आपका क्या ओपिनियन है, आप कौन सा नया फ़ोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, हमें ज़रूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों मिलता हूँ उस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना।